तो जैसा कि ना दोस्तों लाडली बहना योजना के ना दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जिन जिन महिलाओं के लाडली बहना योजना में फॉर्म नहीं भरे गए, किसी भी कारण से उनके फॉर्म नहीं भरे गए थे लाडली बहना योजना में, तो यहाँ पर बहुत ही जल्द ना दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। आपका फॉर्म नहीं भर पाया था किसी भी कारण से, जैसा कि यदि आपकी पहली उम्र नहीं थी, आपकी उम्र 21 साल की थी, 22 साल की थी, तो आपका फॉर्म नहीं भर पाया, तो अब आप ना यहाँ पर दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 21 वर्ष की महिला भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। यदि कोई महिला 21 वर्ष की है तो अब उनका भी यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपके पास ना या फिर किसी भी महिला के घर में परिवार में ट्रैक्टर था, इस कारण से यदि आपका फॉर्म नहीं भर पाया तो अब ये महिला भी फॉर्म भर सकती है। यदि आपके परिवार में ट्रैक्टर है या फिर किसी महिला के घर में परिवार में ट्रैक्टर है तो अब वो महिला भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। या फिर आपका फॉर्म ना किसी भी कारण से आपका फॉर्म नहीं भर पाया या फिर आप फॉर्म नहीं भरवा पाए तो अब ना यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाले, तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन आपको ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना आपको पहले से यहाँ पर रेडी करके रखना है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही यहाँ पर कंप्लीट करवा लेने हैं, तो तभी आपको ना इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाने, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यदि आपका आधार कार्ड ना यहाँ पर 10 साल पुराना है, यानी आपका आधार कार्ड ना 10 साल बने हो गए हैं, आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल यहाँ पर हो गया, और यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आप ना आधार सेंटर में जाके आप ना पहले आधार कार्ड आप अपडेट करवा लीजिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना, यदि आपने अपडेट नहीं करवाया तो आप ना आधार सेंटर में जाके आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। और इसके बाद ना आपको समग्र EKYC आपको करवा लेना है, आपको ना समग्र ID में आपको आधार कार्ड यहाँ पर लिंक करवा लेना, तो ये आप ना किसी भी नजदीकी CSC सेंटर में जाके या फिर MP ऑनलाइन सेंटर में जाके आप ना समग्र EKYC करवा सकते हैं। और यहाँ पर ना आपके पास ना एक बैंक खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, और आपके उस अकाउंट में ना आधार लिंक होना चाहिए, और उसी बैंक अकाउंट में ना आपके DBT यहाँ पर इनेबल होना चाहिए, यानी आपके बैंक खाते से आधार लिंक और यहाँ पर DBT इनेबल होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का पैसा दिया जाएगा। और यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है और ना ही DBT लिंक है तो आप ना ब्रांच में जाके आप DBT आप लिंक करवा सकते हैं और अपने बैंक खाते से आधार कार्ड भी आप लिंक करवा सकते हैं। और यदि आपके पास ना बैंक खाता नहीं है, कोई भी आपने अकाउंट नहीं खुलवाया, तो आपने किसी भी बैंक का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपना खुद का पर्सनल आपको बैंक खाता यहां पर खुलवाना होगा, स्वयं का खाता होना चाहिए, तो आप ना किसी भी बैंक का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आप मेरी बात माने तो आप ना किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहां पर तुरंत ही आपके बैंक खाते से आधार लिंक हो जाता है और आपके बैंक खाते से DBT भी यहां पर इनेबल हो जाता है। आप ना किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको बोल देना कि मेरे खाते में DBT भी इनेबल कर दीजिए और आपके बैंक खाते से DBT भी यहां पर इनेबल हो जाएगा और आधार कार्ड भी यहां पर लिंक हो जाएगा। तो आप ना किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसका अकाउंट ओपन आप करवा सकते हैं। या फिर आपका DBT लिंक नहीं हो पा रहा है आपके किसी और बैंक खाते में, तो आप ना इसका भी आप खाता खुलवा सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट से तुरंत ही DBT लिंक हो जाएगा। यदि आपका किसी भी बैंक खाते में DBT लिंक नहीं हो पा रहा है, फिर DBT फेल्ड हो जाता है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इशू आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, जिसके कारण से DBT लिंक नहीं हो पाता है अदर बैंक में, या फिर आप ना ब्रांच में जा जाके आप परेशान हो जाते हैं, तो आप ना किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसका खाता खुलवा लीजिए। यदि आपका DBT इनेबल नहीं हो पा रहा किसी भी अन्य बैंक में, तो आप ना इसमें जाके आप अपना नया खाता आप खुलवा सकते हैं। इसमें आपके तुरंत ही 2 मिनट में आपका DBT यहां पर इनेबल हो जाता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस हमारे इस चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।